ये तिलता सरना जो रांची में ही है, और इस सरना का आज आपको दर्शन करा रहे हैं। इसका दर्शन करने से भी आपके दिल में, हमारे आदिवासियों के दिल में, हमारे सरना धर्म मानने वाले के दिल में प्रेम और अच्छाई प्रवेश होने लगता है। बहुत सुंदर अपने अंदर पवित्रता आने लगती है। अगर हम इनसे, सरना से अगर आज हम प्यार पहले से किए होते, बहुत अच्छी तरीक़े से हम लोग इसको मानते, तो आज हमारे समाज इधर से उधर बिल्कुल भी नहीं होता। ये मेरा मानना है। आज हमारे ये जो गीता बहन है, ये गीता बहन का 21 दिन का उपवास मिला, और उपवास के दौरान माँ खुद कह रही है कि आप सेवा पूजा कीजिए और आपको मैं शक्ति दूंगा, ताकत दूंगा। ये शक्ति रूप दे रही है, ये पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन माँ खुद धर्मेश ही शक्ति दे रहा है, ताकत दे रहा है, पावर दे रहा है, और बोलने की भी बहुत ताकत दे रहा है। इनकी बातचीत देखने से, या इनकी जो जो बातचीत में एक ताकत जो होता है, वो ताकत देखते ही बनता। पहले अपने समाज के बारे में बोलने के लिए तो कोई आगे आता नहीं था। हमारे जो पहले पहान परंपरा महतो वगैरह थे, किसी से पूछिएगा कि सरना क्या है, क्यों मनाते हैं, तो कुछ बता नहीं पाते हैं। इतना ही कहते हैं कि पूर्वजों ने पूजा पाठ करते थे, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। बस उतना ही जानते थे, बाकी इसके आगे कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आज इन्हीं धर्म बहनों की वजह से हम लोग सारे लोग जान रहे हैं। चाला माँ इनको उपास दे के, शुद्ध करके, पवित्र करके बता रही है कि आओ, हम सारे लोग, आप सारे लोग आओ और विनती और भजन करो, एक लोटा पानी दो, उसी पानी से और थोड़ा बहुत पूजा पाठ से ही आपका और आपका परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का कल्याण होगा। लेकिन माँ की बातें हम किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं, और हमारे जो पूजा पाठ करने वाले, जो हमारे समाज को संरक्षित और अच्छा करने वाले और देखभाल करने वाले, उन्हीं लोगों ने बोलते हैं कि माताओं को सरना में नहीं चढ़ना चाहिए, सरना में नहीं आना चाहिए। अरे जिस सरना में पूजा पाठ नहीं होता है, वहाँ पर जाकर देखिए, कुत्ता घूम रहा है, बिल्ली घूम रहा है, गाय चर रही है, गोबर फेंका जा रहा है। वहाँ पर जो जमीन है, सरना स्थान है, उस स्थान को लगातार चारों साइड से दबाया जा रहा है। तो धर्मेश की जो जगह है और धर्मेश का जो स्थान है, इस स्थान को हम लोग क्या कर रहे हैं? साफ सफाई, उनका इज्जत मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। आज यही वजह है कि हम लोग का भी मान सम्मान इज्जत नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो पूजा हो रहा है, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि धर्मेश को हम लोग जहाँ पर पूजा करेंगे, वहीं पर धर्मेश मिलता है। ये सरना में देखिए, इस सरना से हम कहना चाहेंगे कि जो पेड़ हम लोग पूजा करते हैं, उसको पेड़ पूजा नहीं कहा के हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि पेड़ जो है, वहाँ पर हमारा एक पूजा पाठ का स्थान है। हम पेड़ को एक श्रद्धा, और वो हमको छाया देती है, हमको ऑक्सीजन देती है, उसको मानते हुए एक वो माध्यम है। जिस प्रकार से अन्य धर्म में मंदिर है, उसी प्रकार से हम लोग का मंदिर पेड़ ही है, और उस पेड़ की छाया में आकर, उनके जो पेड़ से जो ऑक्सीजन निकलता है, उस ऑक्सीजन का शुद्ध हवा लेके वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर विचार करते हैं, वहाँ पर धर्मेश को याद करते हैं, वहाँ धर्मेश का नाम लेते हैं और धर्मेश की ओर अग्रसर होते हैं। सरना माँ कह रही है हम सारे लोगों को, आज से नहीं, बहुत पहले से, लेकिन विरोध करने वाले सभी आदिवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि यही एक सहज और आसान तरीका है, जिससे हम सारे लोग एकत्रित हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, हमारा समाज सब कुछ अच्छा हो सकता है। आज इन बहानों के साथ में जो बड़े बड़े पत्रकार भी बात नहीं कर पाएंगे, इतना इनके पास में सवालों का जवाब है।
एक सवाल कीजिए हमारे सरना जो उपवास मिले हुए धर्मवान लोग, एक सवाल कीजिए तो 15 उत्तर और उसका जवाब देती है। तो ये यूँ ही नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बिना पढ़े लिखे हुए हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में करती है। तो उनके अंदर में एक दिव्य तरंग घूमते रहता है, पूरा शरीर में, पातों में, शरीर में, और उनके घर आसपास परिवार में दिव्य तरंग चलती है। तो एखन हमने गीतावराओं के तिलतर चाला में 21 दिन कर उपवास दे रहे, उकर में नायक पहन सब पुजारी भाई बहन आए के हमने गीता दे दी कर यहाँ उपवास टूटेक में सब सहयोग करके नायक मुड़ा पहन से इकर उपवास तोड़ा थी आज। तो इके 21 दिन कर जे धर्मेश चाला में जे उपवास दे रहे, तो कैसे के काल उपवास दिलक और कैसे रख रहे किस दिन का खाए पिए ले दिलक उके हमने गीता दीदी से जानब तनी कुना। तो के चाला माय धर्मेश जे 21 दिन कर उपवास दिलक, तो का ले दिलक उपवास और का खाए पिए ले दिलक, कैसे तो के किस दिन रखलक से के तो अपन विचार बतावे, संदेश देवे ताकि हमने के दूर दूर तक पहुँचाब। 21 दिन कर चाला माय बूट देवत रहो खाए ले सांझ बिहान 9 बजे तक ले, 9 बजे से नहीं पार है कि नहीं खाए देवत रहो, और घर दुरा के हम सफल करबो कही के एक जगह बुट्टा समट बटर के रखबो एक मुट्ठी एक राय ने कही के अजू पास प्यास दे के ऐसे खड़ा कर रख हम तो कुछ नहीं जाना थे अंधा मनवा है क्यों हम जो खियो बोल 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 सब छुआ पुता के हमारे जे सोचल से सब काम पूर्ति करौल आई चला माय कर दुआ से हमारे तेज कुछ न खो न कि भी हमारे पूर्ति हो था से हम कर विश्वास लेके आज हम सेवा पूजा कर गए समाज के करत हियो और समाज के नहीं जानत रहियो तो हम समाज में आई धो के आज उपवास किया दे के खड़ा कर तो माय कर दुआ माय के चरण से सब चीज हमारे पूर्ति हो था। जय धर्म जय धरती। ये गीतावराओ के 21 दिन कर धर्मेश चाला माई उपवास दे रहे, शेखर जी का उपवास तोड़ कर कार्यक्रम करत है, उकर में ये जैसन अपन 21 दिन कर उपवास में खाए ले पिए ले रहे ले रखलक सके सलाह विचार दिलक। तिलता गांव कर सब भाई बहन वाल सबके जय धर्मेश।